हेलो माय लवली YT फैमिली, हाउ आर यू। आई होप आपका भी अच्छा ही चल रहा है। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए आज लेके आया हूँ प्रिंस इल्सा प्रिंसेस डोल केक, सॉरी इल्सा डोल केक, प्रिंसेस केक भी कह सकती हो। तो आज का केक का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, देखिए आज का केक बनाने के लिए पहले मैंने 7 इंच मोल्ड में वेनिला बेस बना के रखा था। ये मैंने प्रीमिक्स से बनाया, मार्केट वाला प्रीमिक्स इग्लेस बेस है। मैंने ले लिया था 2 कप एंड हाफ कप प्रीमिक्स। और देखिए बेस होने के बाद थोड़ी सी ठंडा होने दिया था। और देखिए अभी मैंने फोर लेयर में कटिंग किया। तो देखिए केक बोर्ड पर मैंने लगा लिया क्रीम, ताकि केक इधर उधर ना हिले, बीच में अच्छी तरीके से सूख के रहे, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, फटाफट क्रीम मेल्ट होने लग जाती है। तो इसलिए सोच समझ के काम करना है। जिसके पास एसी नहीं है, मेरे पास भी एसी नहीं है। तो देखिए मैंने आज का केक में कोई फ्लेवर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये वेनिला है और इसमें कोई फ्लेवर नहीं चाहिए कस्टमर को। तो इसलिए मैंने दे दिया डार्क चोको चिप बीज में, ताकि खाने की बहुत थोड़ी सी चॉकलेटी चॉकलेटी आए, बच्चे को पसंद आए। तो इसलिए एक फोर ईयर्स गर्ल का बर्थडे केक। तो आज का केक का डिज़ाइन ही बहुत ही आपको पसंद आने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो इसलिए पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्या होता है, मेन जो पार्ट होता है ना, मेन टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, वो आपको देखने नहीं मिलेंगे, सीखने नहीं मिलेंगे, और बहुत कुछ आपने मिस कर देती है। तो इसलिए पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो देखिए मैंने नॉर्मल वाटर से बेस को सोक किया और लायर का सेम प्रोसेस करके फोर लायर को मैंने क्रम पुट कर लिया। अभी देखिए टॉप पोर्शन में सीजर से अराउंड शेप करके मैंने काट लिया। तो देखिए अभी मैंने फ्रिज में रखा था, अभी फ्रिज से निकाल करके आइसिंग करूँगी, क्योंकि इल्सा का ड्रेस हमेशा ब्लू कलर रहती है। तो इसलिए मैंने ब्लू कलर क्रीम से मैंने पहले केक को आइसिंग करूँगी, मतलब फाइनल फिनिशिंग करूँगी, क्योंकि मैं डोल केक मोल्ड में नहीं बनाते बेस को। मैं नॉर्मल केक टिन से बेस को बना के मैं डोल शेप करती हूँ। देखिए मैं किस तरीके करके डोल शेप लाती हूँ। तो मुझे डोल केक टिन पर बेस बनाना इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कटिंग वगैरह करने के बाद, मतलब मुझे ऐसे लगता है केक जो बेस है कस्टमर को पूरा नहीं मिलती। तो इसलिए मैंने राउंड केक से मैंने डोल केक हमेशा बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए अब फाइनल फिनिशिंग भी हो चुकी है। इसमें करूँगी मैंने फोंडेंट से डिज़ाइन, मतलब डोल का जो गाउन है, गाउन को मैंने फोंडेंट से बनाऊँगी, और इल्सा को मैंने फोंडेंट का कपड़ा पहनाऊँगी। तो देखिए ये है, मैंने पहले डोल को फ्रॉक ऊपर का पार्ट पहन के रखा था, थोड़ी सी ड्राई होने दिया था, अच्छी तरीके से सेट होने दिया था। और यहाँ देखिए मैंने सारा फ्रॉक का, मतलब ग्राउन का एक डिज़ाइन बना के रखा था व्हाइट फोंडेंट से, क्योंकि कस्टमर गौर आके बैठ रहा है, बहुत ही दूर से आया है। तो इसलिए मैं इतना जल्दी बनाना पड़ा इस केक को, क्या कहूँ मैं, कैसे करके बनाया मुझे भी नहीं पता। और जिस दिन इस केक मैंने बनाया, उस दिन मुझे लगभग 7 केक का ऑर्डर आया था। तो ये था 3rd नंबर का केक। तो मैंने इतना घबरा गया था, इतना परेशान हो गया था काम करते करते। तो भी मैंने कस्टमर को कहा, आप थोड़ी सी बैठिए, मैं आपका केक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना के दूँगी। कस्टमर ने कहा ठीक है, आप बनाइए, मैं थोड़ी सी वेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए और भी डिज़ाइन बाकी है, लास्ट तक देखते रहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड प्रेटी इल्सा प्रिंसेस केक है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब पर जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना, ताकि इस तरीके आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिलेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, आप बिना टेंशन में सब्सक्राइब कर सकती हो। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक करना।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फ्रेंड्स, यही है आज का केक का प्रिंसेस एल्सा प्रिंसेस डोल केक का फाइनल लुक। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे और एक न्यू डिज़ाइन न्यू वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।